सर एनबीसीसी यहां पर दो शेयर के बदले एक शेयर का बोनस मिलेगा, बोनस की रिकॉर्ड डेट 7 अक्टूबर तय की गई है, कैसे देख रहे हैं एनबीसीसी में कुछ अपॉर्चुनिटी है बोनस तक? देखिए एनबीसीसी में एक ब्रेकआउट आया था लास्ट वीक में और स्टॉक उसी दिन इंट्राडे में चला था लगभग 16%, लेकिन क्लोज होते होते ब्रेकआउट पॉइंट के नीचे आके क्लोज किया था। नेक्स्ट डे भी अटेम्प्ट किया था थर्सडे को, फेल रहा, फ्राइडे को डाउनसाइड मूव आई है। तो अब यहाँ से 20 डे मूविंग एवरेज जो है वो मेजर सपोर्ट का काम करेगा 183, लेकिन ब्रेकआउट जिस हिसाब से फेल हुआ है हाई लाइकली है कि स्टॉक में 165 तक का डाउन मूव आ सकता है। तो फ्रेश बाइंग यहाँ पे सजेस्टेड नहीं है, 183 टूटता है तो एग्जिस्टिंग होल्डर्स को अपना स्टॉप लॉस ट्रिगर कर लेना चाहिए। नीचे में 165 आता हुआ दिख रहा है 183 के नीचे, तो अब अगर आपके पास लॉन्ग है तो 183 आपका क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस रहेगा जी। तो कुणाल जी आपके पास आना चाहूंगा, ये सवाल है आयशा जी का, एनबीसीसी पर इनकी खरीदारी है, रेट 176 का है, 100 शेयर होल्ड कर रहे हैं। वेल मेरा जो व्यू है पर्टिकुलर स्टॉक को लेकर पॉजिटिव साइड का है। अगर मैं स्टॉक का चार्ट देखूं तो एक अच्छा खासा मोमेंटम में है, बट होल्ड करके चलने की सलाह है 176 के अराउंड की उनकी खरीदारी है 100 क्वांटिटी। मैं कहूंगा एक बार के लिए आप 163 का यहाँ पे स्टॉक कैसे मेंटेन करके रखिए, क्योंकि अगर ये ब्रेक होता है तो लाइकली चांसेस है स्टॉक नीचे में फर्दर गिरावट में 135 के लेवल भी दिखा सकता है। ऊपरी लेवल की बात करें तो जिस हिसाब से गवर्नमेंट अभी प्लानिंग कर रही है अफोर्डेबल हाउसेस को लेके, एक अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ पे आने वाले दिनों में स्टॉक में देखने को मिल सकता है। पहला टारगेट 198 का है, 198 जैसे ही ब्रेक होगा ये स्टॉक में हमें 225 तक की भी मोमेंटम देखने को मिल सकती है। होल्ड करके चलने की सलाह है विद स्टॉक 163।